नमस्कार, राघवी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल के पराठे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि इसमें मूंग दाल होता है और बहुत सारे मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं। इसे बच्चे और बड़े बड़े चाव से खाते हैं। आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। मूंग दाल का पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है धुला हुआ मूंग दाल। इसे हमने 3 से 4 घंटे अच्छे से भिगो दिया है और अब हम इसे जार में डाल देंगे। यहाँ हमने जार लिया है, इसमें हम मूंग दाल डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 मिर्च, 5 लहसुन हमने ऐसे कूट लिया है और 1 अदरक डाल के हम पीस लेंगे। देखिए, हमने मूंग दाल को थोड़ा दरदरा पीस लिया है। अब हम इसे परात में डाल देंगे। देखिए, हमने मूंग दाल को इसमें ट्रांसफर कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच यहाँ हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है, थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और इसमें हम डाल रहे हैं कसूरी मेथी। हम ऐसे डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे नींबू, 1/2 नींबू का रस हम इसमें अच्छे से निचोड़ के डाल देंगे। देखिए, हम सारे मसाले और नींबू का रस डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को। देखिए, ऐसे करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप आटा। ये गेहूं का आटा है और इसे डाल के हम जैसे आटा लगाते हैं ना पराठा के लिए, हमें वैसे ही आटा लगाना है, सॉफ्ट सॉफ्ट। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए, आटे के साथ हमने मूंग दाल को अच्छे से मिक्स कर लिया है और सारे मसाले भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल, मोयन के लिए 1 चम्मच तेल डाल के अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लिया है और अब हम इसमें थोड़ी सी लोई लेंगे छोटी सी और इसे अच्छे से गोल कर लेंगे पहले। देखिए, गोल करने के बाद अब यहाँ पे हमने लिया है आटा और इसको हम परथन की तरह यूज करेंगे। देखिए, ऐसे करके आप छोटी छोटी, या आपको बड़ी बनानी है तो बड़े पराठा बना सकते हैं, या आप, मैंने पतला पराठा बेल लिया है, ऐसी करके मैं सभी पराठे को बेल लूंगी। देखिए, हमने छोटी सी लोई लेके इसमें अच्छे से परथन लगा लिया है आटे का। अब हम इसे अच्छा छोटा छोटा गोल गोल बेल लेंगे। ये आपके ऊपर है कि आपको बड़ा बनाना है कि इसे छोटा बनाना है। इसे अच्छे से गोल गोल करके बेल लीजिए। देखिए, हमारा पराठा बनके तैयार हो गया है। ऐसे ही हम सभी पराठे को बना लेंगे। देखिए, हमने पराठे को ऐसे बेल लिया है। अब हम इसमें एक एक करके पराठा डालेंगे। सबसे पहले मैं 1 पराठा डालूंगी और इसे एक साइड अच्छे से सिकने दूंगी। देखिए, हमारा पराठा एक साइड से अच्छे से सिक गया है। अब हम इसे दूसरे साइड से सेक लेंगे और अब हम लो फ्लेम करके, इसका फ्लेम लो करके इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। आप चाहें तो इसमें घी का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे बटर से भी सेक सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसे डाल के अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए और दूसरी साइड अच्छे से सिकने दीजिए। देखिए, दूसरे साइड से भी अच्छे से सिक चुका है हमारा पराठा। अब हम इसमें भी तेल डाल देंगे और इसे अच्छे से एक बार दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। देखिए, हमारा पराठा परफेक्ट सिका है। अब हम इसे निकाल लेंगे, अच्छे से ऐसे ऐसे करके दबा लीजिए और देखिए, हमारा पराठा बनके तैयार हो गया। देखिए, दोनों तरफ अच्छे से सिक गया है। अब ऐसे ही करके हम सभी पराठे को सेक लेंगे।
देखिए हमारे मूंग दाल के पराठे बनके तैयार हो गए हैं। इसे हमने सर्व किया है आम के अचार के साथ और थोड़े से सलाद के साथ। आप चाहें तो इसे टोमेटो केचप के साथ या तो दही के रायते के साथ आप खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।